कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई सौ साल पहले जब देवी देवता पृथ्वी पर रहते थे तो वो इंसानों पर जुल्म उठाते थे, लेकिन अथेना जो युद्ध और ज्ञान की देवी थी उनके पास इतनी ताकत थी कि वो इंसानों का नामो निशान मिटा सकती थी। लेकिन उसने इंसानों के बीच अपने वॉरियर चुने और उन्हें शक्तियाँ देकर उन्हें पेगासस वॉरियर बनाया, जिसके बाद उन वॉरियर ने अथेना के साथ मिलकर इंसानों की रक्षा की। अथेना ने अपने वॉरियर के साथ मिलकर उन सभी देवी देवताओं के खिलाफ जंग छेड़ दिया जो इंसानों पर जुल्म कर रहे थे, जिसके बाद सभी देवी देवताओं को पृथ्वी छोड़कर वापस अपनी दुनिया में जाना पड़ा। लेकिन हजारों साल बीत जाने के बाद एक दिन अचानक से आसमान के गर्भ में अथेना का फिर से जन्म हुआ, एक छोटी सी इंसानी बच्ची के रूप में। अथेना को देखते ही उसके शक्तियों से बने एक पेगासस वॉरियर के डिसेंडेंट ने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए अथेना की जान बचाई और वो आसमान से धरती पर गिरा, जिसके बाद अथेना तो बच गई लेकिन वो वॉरियर मर गया। अब हम कुछ दिनों के बाद सिया नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपनी बहन पेट्रिसिया के साथ लड़ने की ट्रेनिंग ले रहा था। इस लड़ाई में सिया गलती से अपनी बहन के लॉकेट को टच कर देती है जिससे कि एक रोशनी निकलने लगती है, जिसके बाद पेट्रिसिया सिया को वहाँ से घर लेकर चली जाती है और तभी पेट्रिसिया को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है तो वो उसे जाकर छुप जाने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर अपनी बॉस के साथ वहाँ आते हैं और पेट्रिसिया को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन सिया वहीं छुपा ये सब देखता रहता है। वो लोग बहुत लंबे समय से उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन जब पेट्रिसिया के लॉकेट से वो एनर्जी निकली तो उन लोगों को पेट्रिसिया के ठिकाने का पता चल गया। सिया तो छुप जाता है लेकिन वो लोग उसकी बहन को उठा ले जाते हैं। अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिया अपनी बहन की फोटो को कर उसे याद कर रहा था। तभी कुछ लोग सिया के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी बारी आ गई है, जिसके बाद सिया वहाँ से लड़ने के लिए जाने लगता है तो उस फैट रिंग का ओनर कैसियोस सिया से कहता है कि रिंग में डांस करने के बजाय फैट करना, पब्लिक को इस बार मजा आना चाहिए। सिया वहाँ से जेकी नाम के एक फैटर से लड़ने जाता है। जेकी बहुत ही रफ एंड टफ था, लेकिन सिया भी कुछ कम नहीं था, वो भी उसका मुकाबला बहुत ही अच्छे से करता है। लेकिन कैसियोस बार बार सिया को और अच्छे से लड़ने को कहकर गालियां दे रहा था, इसीलिए लड़ाई के बहाने सिया कैसियोस के सिगार को अपने पैर से लात मारकर गिरा देता है, जिससे कि कैसियोस सिया के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद कैसियोस भी रिंग में कूद जाता है। कैसियोस रिंग में आते ही जैकी को एक लात मारकर रिंग के बाहर कर देता है और फिर खुद ही सिया को मारने लगता है। कैसियोस बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर था, वहाँ खड़ी ऑडियंस भी उसी का नाम लेकर उसे सपोर्ट कर रही थी। कैसियोस सिया को अपनी पूरी ताकत के साथ जमीन पर पटकने वाला था, लेकिन तभी सिया के पंख निकलने लगते हैं और कैसियोस सिया से बहुत दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद सिया वहाँ से भाग जाता है। वो चेंजिंग रूम में जाता है और अपने सामान पैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लंबे बालों वाला आदमी आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन सिया उसके साथ जाने से मना कर देता है। तो वो आदमी सिया की बहन का फोटो उठाकर उससे कहता है कि बाहर कोई तुम्हारा वेट कर रहा है जो ये जानता है कि तुम्हें किसकी तलाश है। इधर कैसियोस किसी को फोन करके बोलता है कि शायद मुझे वो बंदा मिल गया जिसकी तुम्हें तलाश थी। वही लंबे बालों वाला आदमी सिया को अपने बॉस के पास लेकर जाता है। उसके बॉस का नाम एलमोन था। एलमोन कहता है कि तुमने थोड़ी देर पहले जो कारनामा किया है उसे सुनने के बाद गुडार्ड अपने आदमियों के साथ तुम्हें लेने यहाँ आती ही होगी। सिया पूछता है कि वो कौन है, तो एलमोन बताता है कि रिश्ते में तो वो मेरी दिले जिगर किडनी लिवर यानी कि मेरी वाइफ लगती है। सिया उससे पूछता है कि उसे मुझसे क्या चाहिए और तुम यहाँ क्यों आए हो। एलमोन बताता है कि उसे एथेना के शक्तियों से नवाजे वॉरियर की तलाश है जिसे वो अपने प्राइवेट आर्मी में शामिल कर सके और मैं एक लौता इंसान हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक फाइटर प्लेन के ऊपर से कुछ बहुत ही खतरनाक साइबोर्ग सोल्जर अपने स्पेशल सूट के साथ उतरते हैं। उसे देखते ही एलमोन वहाँ से भाग जाता है और सिया को भी भागने को कहता है। वो सोल्जर उनका पीछा करने लगते हैं तो एलमोन का एक आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वॉरियर उसे एक झटके में मारकर बेहोश कर देता है और वापस से एलमोन और सिया का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एलमोन का असिस्टेंट मैलॉक एक बंदूक लेकर आता है और उन सोल्जर के ऊपर गोलियाँ चलाने लगता है, लेकिन उन्हें गोलियों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसीलिए मैलॉक उन दोनों को अपनी साइबर ट्रक में बैठा कर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन गुराड अपने स्पेशल फाइटर जेट से उन लोगों के ऊपर गोलियां चलाने लगती है। इसीलिए मैलॉक ट्रक को एक टनल में घुसा देता है, जिससे कि गुराड उन लोगों का पीछा नहीं कर पाती। मैलॉक अपनी गाड़ी टनल के अंदर ही रोकता है। वहाँ पर एक रास्ता था, लेकिन सिया कहता है कि तुम जब तक मुझे अच्छे से नहीं बताते कि ये सब क्या चल रहा है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन तभी मैलॉक सिया के गर्दन में इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। सिया की आँख खुलती है तो वो एलमोन के साथ प्लेन में था। सिया उससे पूछता है कि तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो, तो एलमोन बताता है कि तुम यहाँ मेरे पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित हो। फिर वो बताता है कि गुराड तुम जैसे कई बच्चों को कैद उनकी शक्तियों को अपने अंदर ट्रांसफर कर चुकी है। एलमोन उसे अपने घर लेकर जाता है, जो एक आइलैंड पर बसा था। वहाँ पर एलमोन सिया को बताता है कि एथीना, जो युद्ध और ज्ञान की देवी थी, वो पृथ्वी पर इंसान बनकर लौटी है और तुम्हारे अंदर एक पेगासस वॉरियर की शक्तियाँ है। इसीलिए तुम्हारा ये फर्क बनता है कि तुम एथीना की रक्षा करो। सिया को एलमोन की बातें बकवास लगती है। वो वहाँ से जाने लगता है तो एलमोन उससे कहता है कि तुम्हारी बहन सच्चाई से वाकिफ थी, इसीलिए शायद उसने अपनी कुर्बानी दे दी, क्योंकि उसे पता था कि एक दिन तुम एथीना के योद्धा पेगासस नाइट बनकर उसकी हिफाजत करोगे। सिया कहता है कि तुम पागल हो गए हो, इसीलिए कुछ भी कहे जा रहे हो। और मेरी बहन कहाँ है? एलमोन कहता है कि वो मुझे पता नहीं। तभी वहाँ पर एलमोन की बेटी आती है। एलमोन सिया को बताता है कि ये मेरी बेटी एना है, लेकिन गुराड इसके भी पीछे पड़ी है और तुम्हारी जिम्मेदारी इसकी रक्षा करने का है। जिस पर सिया कहता है कि मैं भला इसकी रक्षा क्यों करूँगा, तो वो कहता है कि ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि देवी एथीना भी है। तभी एना उसे एक बॉक्स देती है। सिया जब उसे खोलता है तो उसके अंदर उसकी बहन पैट्रिसिया का लॉकेट था। एलमोन बताता है कि ये लॉकेट पेगासस के कवच की चाबी है, इसके बिना तुम मेरी बीवी गुराड का सामना नहीं कर पाओगे। लेकिन सिया एना की रक्षा करने से मना कर देता है, जिसके बाद एलमोन उससे कहता है कि तुम्हें सिल्वर नाइट के पास जाना चाहिए, सिर्फ वही है जो तुम्हें इस लॉकेट के अंदर के राज को खोलना सिखा सकती है, जिसके बाद तुम दुश्मनों से अपनी और एना की रक्षा भी कर सकते हो और अपनी बहन को भी ढूंढ सकते हो। इधर कैसियस के पास गुराड का सबसे खास आदमी नीरो वहाँ आता है और उसे उसकी फाइटिंग रिंग बंद करने को कहता है, क्योंकि कैसियस की वजह से गुराड ने सिया को खो दिया था। तभी गुराड भी वहाँ आती है। कैसियस उस रिंग को बंद होने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो गुराड के आदमियों से लड़ने लगता है। गुराड उन वॉरियर का बहुत ही अच्छे से मुकाबला करता है, जिसके बाद कैसियस उसकी बहादुरी और हिम्मत को देखकर उसे अपने आदमियों से कहकर अपने साथ ले जाती है। इधर सिल्वर नाइट के पास जाने से पहले सिया इना के साथ बैठकर लंच कर रहा था, तभी अचानक से इना के अंदर देवी एथीना की शक्तियाँ हावी होने लगती है। लेकिन ऐसा होते ही उस घर के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद हो जाती है, क्योंकि मैलॉक ने उस घर को ऐसा ही डिजाइन किया था ताकि गुराड को इना के ठिकाने का पता न चल जाए। खैर, जैसे ही एलमोन वहाँ आता है, उसे देखते ही इना की शक्तियाँ धीरे धीरे कंट्रोल हो जाती है, जिसके बाद मैलॉक सिया को अपने साथ प्लेन में बैठा कर वहाँ से लेकर निकल जाता है। इधर हम गुराड को देखते हैं, जो सिया की तरह ही एक पेगासस वॉरियर के अंदर से उसके शक्तियों को अपने अंदर ट्रांसफर कर रहे थे। वहीं मैलॉक सिया को एक पहाड़ी के नीचे ले जाकर ड्रॉप कर देता है, जिसके ऊपर चढ़ने में सिया को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खैर, जैसे तैसे वो जैसे ही उस पहाड़ी के चोटी पर पहुंचता है तो वहाँ पर सिल्वर नाइट खड़ी थी, लेकिन सिया के वहाँ आते ही सिल्वर नाइट पहाड़ के नीचे कूद जाती है, जिस पर सिया कहती है कि बेवकूफ पापा की परी, मैं कोई परा नहीं हूँ, इतनी मुश्किल से तो ऊपर आया था। खैर, सिया उसके पीछे नहीं जाता और वहीं घूमने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो फिर से वापस आ जाती है। सिया उसे दोबारा देखकर कहता है कि तुम मुझे पेगासस बनने में मेरी मदद करो ताकि मैं अपनी बहन को ढूंढ पाऊँ, जिस पर वो कहती है कि तुमसे पहले भी कोई यहाँ आया था जिसका नाम फिनिक्स था। सिल्वर नाइट उसे ट्रेन करने से मना कर रही थी, लेकिन सिया उसके सामने अपने हाथ पैर जोड़ने लगता है, जिसके बाद सिल्वर नाइट उसके सामने एक पत्थर रखती है और उससे कहती है कि अगर तुम इस पत्थर को तोड़ देते हो तो मैं तुम्हें ट्रेन जरूर करूंगी। लेकिन जब सिया उस पत्थर पर मारता है तो वो पत्थर की जगह उसका हाथ टूट जाता है, जिसके बाद सिल्वर नाइट उसे समझाती है कि तुम्हारा शरीर ये पत्थर ये ब्रह्मांड
एंड हर चीज एक ही तरह के मैटर से बना है। अगर तुम एक पेगासस वॉरियर होते तो तुम किसी भी चीज के एटम को बिखेर सकते थे। सिल्वर नाइट उस पत्थर को तोड़कर सिया के सामने दूसरा पत्थर रख देती है और उसे फोकस करने को कहती है, लेकिन फिर भी वो उस पत्थर को नहीं तोड़ पाता। इधर गुराड ने कैसियस को अपने बाकी के सोल्जर की तरह एक साइबोर्ग बना दिया था। खैर, कैसियस को अपना नया रूप बहुत पसंद आता है क्योंकि अब वो पहले से भी बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका था। वहीं सिल्वर नाइट ने सिया की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। शुरू में तो वो बहुत पिटता है। सिल्वर नाइट अपनी पूरी शक्ति के साथ सिया को एक जोरदार पंच मारती है। दरअसल वो भी एक पेगासस वॉरियर थी, लेकिन वो उस आइलैंड से बाहर नहीं जा सकती थी। खैर, काफी दिन तक मार खाने के बाद धीरे धीरे सिया उसके साथ मिलकर लड़ना सीख रहा था। और फाइनली एक दिन ऐसा आ जाता है जब सिया अपनी ताकत से पत्थरों को बड़े ही आसानी से तोड़ने लगता है। इधर हम देखते हैं कि नीरो ने एलमोन के जिस आदमी को जिंदा बंदी बनाया था वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि बताओ एलमोन ने इना को कहाँ छुपाया है। पहले तो वो नहीं बताता, लेकिन जब नीरो एक मॉन्स्टर बन जाता है तो फिर भी वो नहीं बताता। सिल्वर नाइट इस बार सिया को एक बड़े से पत्थर को तोड़ने के लिए कहती है। सिया के पंच मारते ही वो पत्थर एक बॉक्स में बदल जाता है जिसके अंदर से पेगासस की शक्तियाँ और उसका वॉरियर सूट निकलकर खुद ब खुद सिया के ऊपर अटैच हो जाता है। लेकिन तभी उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। दर्द के साथ उसे एक विजन भी आती है जहाँ गुराड के साथ साथ एलमोन भी सिया की बहन पैट्रिसिया को अपने साथ ले जाने आया था। ये बात जानने के बाद सिया को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी वक्त वहाँ से एलमोन के पास बदला लेने के लिए जाने लगता है। सिल्वर नाइट उसे समझाती है कि खुद के ऊपर कंट्रोल करो, नहीं तो पेगासस का कवच तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। लेकिन सिया उसकी बात नहीं मानता, इसीलिए उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे होता ये है कि सिल्वर नाइट के एक पंच मारते ही सिया बहुत दूर जाकर गिरता है और उसका वॉरियर सूट भी गायब हो जाता है। लेकिन सिया को इससे फर्क नहीं पड़ता और वो एलमोन से अपनी बहन का बदला लेने चला जाता है। अब हम वापस से कैसियस को देखते हैं। वो अपनी ताकत को आजमाने के लिए गुराड के सभी स्पेशल सोल्जर से लड़ रहा था। इसके बाद वो गुराड से कहता है कि तुम एक मामूली सी लड़की के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो, मुझे बस उसका पता बता दो, मैं हंसते खेलते उसकी गर्दन घुमाकर उसका काम तमाम कर दूंगा। ये सुनते ही गुराड कैसियस का गला पकड़ लेती है और उसे वार्न करती है कि अगर उसे एक खरोच भी आई तो उसके अंदर मौजूद अथीना की शक्तियाँ जाग जाएगी, जिसके बाद वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। इधर सिया एलमोन के आइलैंड पर पहुंचकर उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन इना उसे ऐसा करने से रोकती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। हालांकि मैलॉक इना को महल के बाहर जाने से रोकता है, लेकिन वो नहीं सुनती। इना उसे अपने साथ एक पॉट पर लेकर जाती है और उसे बताती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं अपनी मॉम गुराट के गोद में थी, लेकिन तभी मेरे अंदर मौजूद एथेना की शक्तियाँ बेकाबू हो गई, जिससे मेरी मॉम का हाथ भी टूट गया। वो मरने ही वाली थी, जिसके बाद एलमोन ने उन्हें पेगासस के कवच के शक्तियों से बचाया जो उसे मेरे साथ मिली थी। लेकिन अब गुराट को जिंदा रहने के लिए एथेना की शक्तियों की जरूरत है, इसीलिए उसे पेगासस वॉरियर की तलाश रहती है। तुम भी एक पेगासस हो, इसीलिए उसे तुम्हारी भी तलाश है। लेकिन उसे लगता है कि वो मेरे शक्तियों से ना सिर्फ ठीक होगी बल्कि खुद को अमर भी बना लेगी, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं है, जबकि मेरी शक्तियाँ उनकी जान भी ले सकती है। इसीलिए मेरे डैड मेरी हिफाजत मेरी मॉम से और मेरी मॉम की हिफाजत मुझसे करना चाहते हैं। दरअसल इना एलमोन और गुराट की अपनी बेटी नहीं थी, उसे तो एक पेगासस वॉरियर आसमान से धरती पर लेकर आया था और धरती पर गिरने के बाद वो पेगासस वॉरियर तो मर गया, लेकिन एलमोन और गुराड ने जब उसे देखा तो उन्होंने उसे अपने पास रख लिया और उस पेगासस योद्धा के कवच से उन्होंने बहुत ही खतरनाक हथियार भी बनाए। फिर सिया पूछता है कि मेरी बहन के साथ तुम लोगों ने क्या किया, तो वो बताती है कि तुम्हारी बहन के पास कोई शक्ति नहीं थी, इसीलिए गुराड ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि पेगासस वॉरियर तुम थे, तुम्हारी बहन नहीं। इधर मैलॉक एलमोन के पास आता है और उसे बताता है कि रडार पर गुराड के आने के सिग्नल मिल रहे हैं। एलमोन कहता है कि एना को ढूंढ कर उसकी रक्षा करो, मैं मरते दम तक उसे रोकने की कोशिश करूंगा। इधर एना और सिया भी गुराड के प्लेन को वहां आते हुए देख
लेते हैं। दरअसल बुराड ने एलमोन के जिस आदमी को बंदी बनाया था वो उसे टॉर्चर करके एलमोन के घर का पता लगा लेती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने के बजाय उल्टा एलमोन के पास उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं। इधर एलमोन एक स्टैचू के पीछे से एक डिवाइस को निकालता है और तभी गुराड के सोल्जर एलमोन के महल में घुस जाते हैं। मेलॉक वहाँ से इना को ढूंढने के लिए जाने लगता है तो गुराड के कुछ सोल्जर उसका रास्ता रोक लेते हैं, जिसके बाद मेलॉक अपने खास गन से अपनी खास गोली चलाता है जिसे उसने पेगासस के सूट से बनाया था। इस बार वो गोली गुराड के सोल्जर के आर पार हो जाती है, वो एक के बाद एक सभी सोल्जर को मार देता है। वहीं गुराड एलमोन के पास पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि इना कहाँ है। एलमोन उससे कहता है कि तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, वो हमारी बेटी है। जिस पर गुराड कहती है कि हमारी कोई बेटी नहीं थी, वो बस हमें मिली थी और अगर मैंने उसे खत्म नहीं किया तो भूलो मत वो युद्ध की देवी है, अगर उसके अंदर की शक्तियाँ पूरी तरह से जाग गई तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। लेकिन तभी सिया इना के साथ वहाँ पहुँच जाता है। एलमोन इना को बचाने के लिए अपने साथ साथ गुराड को भी खत्म कर देने का सोचता है, लेकिन कैसियोस वहाँ आकर उसे मार कर उसे वो रिमोट छीन कर तोड़ देता है। इसके बाद सिया इना को लेकर वहाँ से भागने लगता है तो कैसियोस वहाँ आकर उसका रास्ता रोकता है और उससे लड़ने लगता है। सिया के पास उसके वॉरियर सूट तो नहीं थे, लेकिन पेगासस की कुछ शक्तियाँ अभी भी उसके पास थी, इसीलिए वो कैसियस को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाता। इधर एलमोन उस स्टैचू के पीछे से एक और डिवाइस निकालता है और उसे ऑन कर देता है। उसके फटते ही नीरो तो गुराड को अपने सिप में ले लेता है, लेकिन वो पूरा महल जमीन के नीचे धस जाता है। धमाके के बाद गुराड के लोग इना को वहाँ से अपने साथ लेकर चले जाते हैं और सिया वहीं घायल होकर पड़ा रहता है। गुराड इना को अपने लैब में लेकर आती है। इना उससे कहती है कि अथीना की शक्तियाँ बहुत ही ताकतवर है, उससे आप ठीक नहीं हो सकते। गुराड कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी शक्तियाँ पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। ये कहते हुए गुराड रोने लगती है क्योंकि एलमोन मर चुका था और अब इना के अलावा दुनिया में उसका कोई भी नहीं था, लेकिन उसे दुनिया को बचाने के लिए ऐसा करना ही था। इसके बाद गुराड वहाँ से चली जाती है और नीरो से कहकर उसकी शक्तियाँ बाहर निकालने के प्रोसीजर को शुरू करने लगती है। इधर मेलॉक अपनी स्पेशल प्लेन के साथ वहाँ एलमोन के महल में पहुँचता है, क्योंकि धमाके के वक्त वो अपने प्लेन से इना और सिया को ढूंढ रहा था। मेलॉक को सिया जब वहाँ पर मिलता है तो वो उसे अपने साथ लेकर गुराड के ठिकाने की तरफ निकल जाता है, लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो गुराड के लोग मेलॉक के सिप के ऊपर चलाने लगते हैं, जिसके बाद सिया उड़ते हुए प्लेन से नीचे कूद जाता है और जब वो नीचे गिरता है तो उसके गिरने के फोर्स से पूरी फ्लोर टूट जाती है और उसकी इस हिम्मत से उसका वॉरियर सूट भी खुद ब खुद आ जाता है। तभी वहाँ पर कैसियोस आता है और सिया के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सिया के वॉरियर सूट के साथ उसका एक पंच पड़ते ही कैसियोस मर जाता है। इधर इना दर्द से तड़प रही थी, उसे चिल्लाते हुए देखकर गुराड उसे मारने के प्रोसीजर को रोक देने को कहती है, लेकिन नीरो गुराड को ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद गुराड अपने सोल्जर से कहकर नीरो को खत्म कर देने को कहती है। लेकिन तभी नीरो अपनी टी शर्ट के अंदर से एक लॉकेट को निकालकर उसे जैसे ही टच करता है वो भी एक वॉरियर बन जाता है। दरअसल जिस फेनिक्स को ट्रेनिंग देने के बारे में सिल्वर नाइट ने सिया को बताया था वो सिल्वर नाइट कोई और नहीं बल्कि नीरो ही था, लेकिन वो अथीना को खत्म कर देना चाहता था ताकि वो अथीना के शक्तियों को अपने अंदर ले सके। नीरो अथीना का फिनिक्स वॉरियर बनते ही गुराड के सारे आदमियों को मारने लगता है, जिसके बाद गुराड खुद ही उससे लड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे पेगासस वॉरियर की शक्तियाँ थी, लेकिन फिनिक्स के आगे वो सारे पेगासस वॉरियर कमजोर थे। वो गुराड को बहुत मारता है लेकिन वो उसे जान से मार पाता इससे पहले सिया वहाँ आ जाता है और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे। दोनों की शक्तियाँ टकराने से एक ब्लास्ट होता है जिससे नीरो वापस से लैब में पहुंच
लौट जाता है। उसके वहाँ पहुँचते ही गुराड इना को मारने के प्रोसीजर को बंद कर देता है और उसके ऐसा करते ही इना के अंदर मौजूद गॉड एथीना उस पर हावी हो जाती है और इना एथीना का रूप लेने लगती है। नीरो उसे रोकने के लिए उस पर हमला करता है लेकिन उसके करीब जाते ही नीरो पूरी तरह से तबाह हो जाता है और वो पूरी की पूरी जगह तबाह होने लगती है। इना का अब अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, जिसके बाद सिया इना को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते वक्त सिया का भी वॉरियर सूट टूट जाता है। तभी सिया उससे कहता है कि इना तुम कोई युद्ध की देवी नहीं बल्कि मेरी दोस्त इना हो, तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। तभी एथीना की आँख से आंसू गिरने लगता है और फिर एकदम से एथीना की शक्तियों को इना अपने अंदर कंट्रोल कर लेती है और सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद इना अपनी माँ गुराट के पास जाती है और फिर वो उसे अपनी शक्तियों से ठीक कर देती है। तभी वहाँ पर मैलॉक भी अपने प्लेन को लेकर पहुँचता है। इसके बाद वो दोनों सिल्वर नाइट के पहाड़ी पर जाते हैं जहाँ इना सिया को बताती है कि एथीना के जागने का मतलब है कि अब सभी देवी देवता जंग की तैयारी करेंगे और उन्हें रोकने के लिए हमें जुदाई के वॉरियर को इकट्ठा करना होगा, लेकिन इससे पहले हम तुम्हारी बहन पैट्रिसिया को ढूंढेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलता हूँ किसी मजेदार से कहानी के साथ। थैंक्स टू, गुड बाय। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.